हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बीमाओं के उपयोग की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वांडरवाल गैस का समीकरण दिया गया है पी प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। समीकरण जो दिया जा रहा है यह है पी प्लस बी स्क्वायर और b माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्या दिया गया है? वांडरवाल गैस समीकरण दिया गया है, आप पढ़े होंगे। इसमें क्या निकालना हमें? विमाओं के उपयोग द्वारा a तथा b का मान निकालना। a और b जो क्या है? स्वेच्छ अचर राशि। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या दिखते हैं, यहां से b और बी निकालना है। तो क्या करेंगे, जो ये आर टी होता है ये कांस्टेंट होता है, ये ना आर और टी कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जीरो। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही ना। यानी क्या हो जाएगा, जो बी की बीमा होगी वही की क्या होगी? बी की बीमा। यहाँ से देखिए बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी? बी की बीमा। अब v क्या है यहाँ पे इस समीकरण में? आयतन है, वॉल्यूम है। आप जानते हैं v की जो बीमा होती है, आयतन की जो बीमा होती है, की पावर कितनी होती है? 3। यानी कितने के बराबर हो जाए? v की बीमा के बराबर। यानी जो v की बीमा प्राप्त हुई है वो कितना आई? एल क्यूब के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है? a की बीमा निकालनी है, और जो राशि होगी ये क्या हो जाएगा? आयतन। देखिए क्या हो जाएगा, जो p की बीमा बराबर कितना हो जाएगा? a अपॉन b स्क्वायर की बीमा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस राशि को इतने के बराबर करें, यही ना। ये राशि इस कांस्टेंट के बराबर होगी, जब कांस्टेंट के बराबर होगी तो p प्लस a अपॉन b स्क्वायर आता है, ये b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो p बराबर कितना हो जाएगा? a अपॉन b स्क्वायर, यही ना। कितना आया? p इक्वल टू a अपॉन माइनस जाएगा a अपॉन b स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगी, p की बीमा माइनस से कोई माइनस जो साइन का चिन्ह, हमें बीमा निकालना है, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है। p की बीमा बराबर कितना हो जाएगी? यहाँ से देखेंगे a अपॉन b स्क्वायर की बीमा। तो जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a की बीमा बराबर क्या हो जाएगा? p की बीमा इंटू कितना हो जाएगा? b स्क्वायर की बीमा। p की बीमा, p क्या है? दाब है, प्रेशर है। आप जानते हैं दाब की बीमा निकालते हैं m l पावर माइनस वन t पावर माइनस टू इंटू b की बीमा कितनी है? l पावर थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा m l पावर माइनस वन t पावर माइनस टू, l की पावर कितना आ जाएगा? 6। जब इसको हल करेंगे तो l की पावर माइनस वन है और l की पावर 6 है, 6 में से एक घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? m इंटू l की पावर पावर फाइव और t की पावर माइनस टू। यानी a की जो बीमा आ जाएगी m इंटू l की पावर फाइव t की पावर माइनस टू, और जो b की बीमा होगी वो कितनी है? l पावर 3। क्लियर? यही हो जाएगी a और b की बीमा। क्लियर?